हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन ऑन माय चैनल। तो जैसा कि हमको पता है कि इंडिया के बहुत बड़े एक्टर ऋषि कपूर का डेथ हो चुका है। सो यार, इट इज़ अ बिग लॉस फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन उनके डेथ के बारे में तो हमको पता है कि कैंसर से डेथ हुआ है, लेकिन और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है अगर आप स्टूडेंट हो तो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इनको लेकर आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे, आ सकते हैं, और मैं कहूँगा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आएंगे ही। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो यार वीडियो में आने से पहले मैं बता दूँ कि जैसा आपको पता है कि मेरा जो चैनल है वो MBA एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन के लिए है। तो जो भी बच्चे JMI और AMU को टारगेट कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को MBA के लिए ओनली, तो यार वो व्हाट्सएप कोर्स ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी व्हाट्सएप कोर्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो इट इज़ अ कम्प्लीट प्रिपरेशन कोर्स आपको अगर प्रिपेयर करना आपके MBA के लिए, तो आप ना इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके ये कोर्स ले सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यार इस टॉपिक के बारे में बात करते हुए। तो सबसे पहले यार एक चीज़ जान लो कि इनका जो बॉर्न डेट है, दैट इज़ 4 सितंबर 1952। ठीक है, देखो यार, सबसे पहली बात है ना कि कभी भी एग्ज़ाम में आपको जब क्वेश्चंस आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो रीसेंट ना डेथ के बारे में आपके क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। कोई अगर सेलिब्रिटी रीसेंट अगर डेथ के हो ना, तो उसके बारे में क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा एग्ज़ाम से। सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि सेलिब्रिटी हु रीसेंट डाइड ऑन दिस ऑफ डेट बिलोंग्स टू विच फील्ड। तो अगर इनके बारे में आता है ना, तो ऋषि कपूर अगर नाम आता है तो आपका क्वेश्चन रहेगा कि फिल्म इंडस्ट्री या फिर बॉलीवुड या फिर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो इसी तरह करके कुछ क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको पता है अगर ऋषि कपूर का नाम है तो आप लिख सकते हो बॉलीवुड, या फिर कुछ क्वेश्चन आपको इस तरह रह सकता है कि फेमस वेटरन एक्टर डाइड रिसेंटली, तो आप ना उसका आंसर दे सकते हो कि जो रिसेंटली अभी डाइड किए हैं अप्रैल 30th को, उनका क्या नाम है, जो बहुत बड़े बॉलीवुड के स्टार है, तो उनका नाम था ऋषि कपूर। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है यार कि इनका जो फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था बिग स्क्रीन पर, वो कब हुआ था। ठीक है, तो वो सबसे पहले ना एक मूवी आई थी श्री 420 में वो आए थे एज अ चाइल्ड एक्टर। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 1955 में। ठीक है, इसके बाद वो एक और कैमियो किए थे, यंग राज कपूर का रोल किया था उन्होंने मेरा नाम जोकर में, इसमें भी उन्होंने एज चाइल्ड एक्टर काम किया था मेरा नाम जोकर में। इसके बाद 1955, अगर इनका ओरिजिनल डेब्यू पूछा जाए तो इट वाज 1955 एज अ चाइल्ड एक्टर। ठीक है, श्री 420 में। इस मेरा नाम जोकर में चाइल्ड एक्टर के लिए ना उनको नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लो नेशनल अवार्ड किस चीज़ के लिए मिला था इनको, इनको ना मेरा नाम जोकर में चाइल्ड एक्टर के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको स्टार मार्क कर लो। अगला हम बात करते हैं कि इनका जो ओरिजिनल अपना डेब्यू हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है, तो इनका जो ओरिजिनल डेब्यू था, दिस वाज इन 1973, मूवी थी बॉबी, और इस टाइम इनकी जो एज थी दैट वाज 21 ईयर। ठीक है, तो यार इससे इनका डेब्यू हुआ था। और एक यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आता है कि इसी फिल्म के लिए ना इनको बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर दिया गया था, बॉबी मूवी के लिए इनको बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर दिया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद कर लो कि अवार्ड्स और बुक्स इन सब चीज़ों में ना ये क्वेश्चन रह सकते हैं। ठीक है, अगला हम बात करें इनके बारे में, तो इनके बारे में एक फैक्ट है ना कि इनको नाइजीरिया में, जैसे आपको पूछ सकते हैं कि विच पॉपुलर बॉलीवुड स्टार हु डाइड इज कॉल्ड मैका, इज कॉल्ड मेस इन नाइजीरिया, इनको नाइजीरिया में ना वहाँ बहुत पॉपुलर थे वो, तो इनको मेस कहते थे। इस मेस का मीनिंग होता है वुमन। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ऐसे सेलिब्रिटी थे जिनको नाइजीरिया में लोग प्यार से मेस कहते थे, वो रिसेंटली डाइड, तो ऐसा करके कुछ क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको हम मेस बोलते थे। ठीक है, इनको वहाँ के लोग मेस बोलते थे। और एक यार फैक्ट है इनके बाद कि इतने बड़े एक्टर होने के बावजूद भी इन्होंने कभी गुलजार साहब के साथ काम नहीं किया। हालांकि हमेशा डिज़ायर थी इनकी काम करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये मे भी कुछ क्वेश्चन आ जाए या फिर एज फैक्ट आप याद रख सकते हो। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन हो सकता है कि ऋषि कपूर हु वाज अ फेमस एक्टर ऑफ बॉलीवुड डाइड ऑफ विच ऑफ दिस डिजीज, तो इनका ना कैंसर से डेथ हुआ था, इनका डेथ जो है वो कैंसर से हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम कुछ बात करते हैं इनके अवार्ड्स के बारे में। तो इनको 1974 में बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर मिला था बॉबी मूवी के लिए, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, बेस्ट एक्टर के लिए इनको फिल्म फेयर मिला था बॉबी मूवी के लिए। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लो, क्योंकि फिल्म फेयर आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसके बाद 2008 में ना इनको इनको 2008 में फिल्म फेयर मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए, ठीक है। फिल्म फेयर इनको मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए, ठीक है, अचीवमेंट अवार्ड के लिए इनको फिल्म फेयर मिला था, ठीक है। अगला अगर बात करते, 2011 में इनको एक बार और बेस्ट एक्ट 2011 में इनको एक और बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। इस बार क्रिटिक्स अवार्ड था ये, ठीक है, बेस्ट एक्टर का तो था ही, लेकिन फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड था ये, क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, ठीक है, फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर ये मिला था इनको 2011 में फिल्म फेयर। तो एक फिल्म फेयर इनको 2011 में मिला, एक फिल्म फेयर 1974 में मिला था, एक फिल्म फेयर 2008 में मिला था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो इनको इनको ये जो फिल्म फेयर मिला था ये दो दुनी चार के लिए मूवी के लिए मिला था, दो दुनी चार एक मूवी आई थी उसके लिए मिला था, ठीक है। इसके बाद इनको ना 2017 में फिर मिला था फिल्म फेयर सपोर्टिंग रोल के लिए, सपोर्टिंग रोल के लिए इनको फिल्म फेयर मिला था कपूर एंड सन्स के लिए, ठीक है, कपूर एंड सन्स के लिए। तो ये कुछ अवार्ड्स थे यार। एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये समझ लो कि आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको मिल जाएगा, ये MBA हो या फिर आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका SSC के एग्ज़ाम्स है, बैंक्स के एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स में ये आपको आ सकता है। कि ऋषि कपूर ने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी, जो बुक ना बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी और ऑलरेडी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन ना पूछ चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी इसको ना पूछ चुके हैं, दीज आर द ऑलरेडी आस्क क्वेश्चन। तो इन्होंने जो बुक लिखी थी, इन्होंने एक बुक लिखा था, इस बुक का जो नाम था वो था खुल्लम खुल्ला। ये बहुत फेमस बुक हुई थी इनकी, बहुत फेमस, बहुत ज़्यादा चर्चे में ये बुक थी, ठीक है। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यार ये कुछ जो फैक्ट्स थे ऋषि कपूर के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे, ये मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक बार और आपको रिमाइंड करा दूँ कि अगर आप JMI या अलीगढ़ की व्हाट्सएप की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो एंट्रेंस की, अगर आप चाहते हो इस साल एडमिशन लेना, तो आप ना ये व्हाट्सएप कोर्स मुझसे ले सकते हो इस नंबर पर मैसेज करके, ठीक है। बाय, टिल देन हैप्पी लर्निंग।